अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों ने जो आपका समर वेकेशन का था काम, उसमें आप लोगों ने यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री के भी कुछ सम्स किए थे सॉल्व। उसके अंदर आप लोगों ने एंगल्स ड्रॉ करने थे और कुछ गिवन एंगल्स थे आपको एक्सरसाइज में दिए हुए थे, तो आपने उनको मेजर करके सिर्फ बताना था कि वो कितने डिग्रीज के हैं, या आप लोगों की डेफिनेशंस थी। कुछ ऐसे हैं जैसे एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, ये चीज़ें आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी हुई हैं। जो नई डेफिनेशन थी वो थी रिफ्लेक्स एंगल की। ये आपने, आपको पता तो होगा कि एनी एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन आज हम लोग करेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल को मेजर कैसे करना है और उसको कैसे हम लोगों ने प्रोटेक्टर की मदद से कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ करना है, आज वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, यहाँ पे तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ। पेज नंबर 124 पे, द एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जेड मार्क विद एन एरो आउटसाइड एंगल 60 डिग्री इज नोन एज अ रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने ये जो आपको फिगर दी हुई है, ये उन्होंने आपको एक सिंपल एंगल बताया हुआ है जो एक्यूट एंगल है, 60 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री है। तो ये एक आपको एक्स वाई जेड उन्होंने आपको एक एंगल दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस एंगल से जो बाहर का जितना हिस्सा है, आउटसाइड ऑफ द एंगल एक्स वाई वाई जी, ये दोनों इसके आर्म्स हैं, इसके ये आउटसाइड जितना हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अब हमने ये देखना है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो रिफ्लेक्स एंगल है वो कितने डिग्रीज का है। उसको मेजर करने के लिए आप लोगों को सिंपल पहले ये पता होना चाहिए कि एक जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्रीज़ का होता है। जैसे आप लोगों के पास, ये सबके पास एक होता है सेमी सर्कल जिसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डी या प्रोटेक्टर ज्योमेट्री बॉक्स में आप लोगों के होता है। अगर आप इसके ऊपर सबसे हाईएस्ट नंबर देखें, सबसे बड़ा नंबर अगर इसके ऊपर हम देखें, तो दैट इज़ 180 डिग्री, और 180 प्लस 180 इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज। इसका मतलब है कि अगर इसके साथ ये जो ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा तो ये कितने डिग्रीज़ का होगा, 360 डिग्रीज़ का। आप 360 डिग्रीज में से जब ये वाले 60 माइनस कर देंगे, आपके पास बाकी कितने डिग्रीज़ आए, 300। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास बाकी जो रिफ्लेक्स एंगल है हमारे पास, वो कितने डिग्रीज़ का हो गया, 300 डिग्रीज का हो गया। और एक बात याद रखनी है कि जैसे आप लोगों को पता है, ये आपके पास अगर एक्यूट एंगल है, हम इसके अंदर ऐसे एरो लगाते हैं, या अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसके भी अंदर होता है। लेकिन जो रिफ्लेक्स एंगल अगर इस तरह का है तो उसका जो एरो होगा वो बाहर की साइड पे आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। इसका एरो कौन सी साइड पे आएगा, बाहर की साइड पे। जैसे अगर ये है हमारे पास, इसका एरो ये बाहर से आएगा, तो इस ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है? अब ये पेज नंबर 125 के ऊपर ये एक एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई है, ड्रॉ अ रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई जी इक्वल्स 305 डिग्रीज। वो कह रहे हैं कि आपने 305 डिग्रीज का रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, ठीक? तो वो आपने कैसे बनाना है, अभी आपको बताया कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो आउटसाइड पोर्शन ऑफ एन एंगल इज़ द रिफ्लेक्स एंगल। हमने क्या करना है, 360 डिग्रीज जो हैं हमारे पास, उसमें से आप 305 को माइनस कर दें। जब 360 में से आपने 305 माइनस किया, आपके पास ये कितना आया एंगल,
55 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रोटेक्टर से 55 डिग्रीज का एंगल बनाना है, और उसके बाद जो बाहर का सारा हमारा एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 305 शो करेगा। ठीक है, तो अब ज्योमेट्री करने के लिए आप लोगों के पास स्केल होना चाहिए, ये आपका प्रोटेक्टर होना चाहिए, तो इससे हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक्सरसाइज 7A का आप लोगों ने समर वर्क में ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 पार्ट किए थे। आज हम लोग रिफ्लेक्स एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये देखें, क्वेश्चन है 7, ये वाला क्वेश्चन हम करने लगे हैं। कैलकुलेट दीज रिफ्लेक्स एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर, इसकी मदद से हम लोगों ने इन एंगल्स को मेजर करना है कि ये कितने डिग्रीज का है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको हमने इस सेंटर पॉइंट पे रखना है, ठीक। और उसके बाद सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि ये लाइन कितने डिग्री की है। इन तस्वीरों को देख के आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम अभी ये इनका ये एरो, ये जो रिफ्लेक्स एंगल का एरो है, अगर हम इसको निकाल दें, इसको थोड़ी देर आप आउट कर दें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल उन्होंने दिखाया है ये ऑब्ट्यूस एंगल की शक्ल होती है, ये एक्यूट एंगल की शक्ल होती है। जो इनवर्ड एंगल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो एक्यूट होते हैं, और जो आउटसाइड पे जिनके आर्म्स होते हैं, जैसे कि ये बाहर की तरफ इसका आर्म निकला हुआ है, इसको ऑब्ट्यूस कहते हैं। और एल शेप, ऑब्वियसली ये आपको पता होना चाहिए कि एल शेप इज़ अ 90 डिग्री एंगल, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको मेजर करते हैं, वाई के ऊपर आप इसको रखें, और आपकी जो नीचे बेस लाइन है ये बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर आनी चाहिए, ठीक। अब ये देखें कि जो आपकी लाइन है वो कितनी डिग्रीज के ऊपर इधर आ रही है, तो अगर आप ये देखें तो ये 50, एग्जैक्ट 50 के ऊपर, ये देखें। अब मैंने इसको थोड़ा नीचे किया, अब वापस इसको मैं एल पे, वाई पे लेके आ रही हूँ, 50 डिग्रीज, ठीक। ओह सॉरी, 50 डिग्रीज को नहीं देखना, बिकॉज़ ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, तो 50 डिग्रीज के ऊपर ये कौन सा नंबर आ रहा है, 130, 50 के ऊपर कौन सा है, 130, ये बिकॉज़ ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। तो अब आप 360 में से कितने माइनस करेंगे हम, 130, तो हमारे पास क्या आया, 6 माइनस 3, 3, 3 माइनस 1, 2, इसका मतलब है कि ये जो रिफ्लेक्स एंगल है हमारे पास वो कितने डिग्रीज का है, 230। रिफ्लेक्स एंगल इक्वल्स 230 डिग्री, ठीक है। इसी तरह ये देखें, अब जैसे आपको ये पता है कि ये कितने डिग्री, ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हमने क्या करना है, 360 में से 90 माइनस करें, 16 में से 9, और ये 270, सो रिफ्लेक्स एंगल इक्वल्स 270 डिग्रीज, ठीक है। अब पार्ट बी एंड डी आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैं इसका एक पार्ट आपको समझाऊंगी, बाकी आप लोगों ने ये खुद ड्रॉ करनी है, इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। ड्रॉ रिफ्लेक्स एंगल, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर इक्वल्स 320 डिग्री। 320 डिग्री का उन्होंने हमें कहा है कि आपने रिफ्लेक्स बताना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमने एंगल कितने का ड्रॉ करना है, तो वो 360 डिग्रीज माइनस 320 डिग्रीज कितने आए हमारे पास, 40 डिग्रीज। इसका मतलब है कि हम 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, कोई सी भी मेजरमेंट की लाइन लगा लें, ठीक है।
अब उसके बाद मैं इस पॉइंट के ऊपर रख के लेफ्ट साइड के ऊपर मैं ये सेंटर रखूँगी, और मैंने कितने डिग्रीज़ का एंगल बनाना है, 40 डिग्रीज, ये 40 है, ठीक है। इधर इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूँगी, इसको ये हमारा कितने का ये बन गया, 40 डिग्रीज। और ये जो बाकी हमारा आउटर पोर्शन है ये कितने डिग्रीज का हो गया, 320 डिग्रीज। और इसका हमने क्या नाम रखा, PQR, PQR इक्वल्स 320 डिग्री। एरो का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आपका एरो आउटसाइड पे आए, ठीक है। अब आपने ये जो आपके बाकी के पार्ट्स हैं BCD, इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, एंगल्स आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।